गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम आसमान की ऊंचाइयों में हैं, ठीक है। ऐसा कुछ वीडियो निकला था, आप देखे होंगे। तो अभी तक हम लोग बहुत दिन से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट क्लास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आज हम लोग क्या करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे एमसीक्यूज प्लस डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन का, ठीक है। तो जब तक ये पीडीएफ पूरा खत्म नहीं होता है, आप लोग को ये पूरा पीडीएफ करना है, ठीक है। और मेरे साथ साथ आप करेंगे, आपको आता है तो अपना बुद्धि आप अपने पास रखिए, बट अभी मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसे आप करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे एक एक शब्द में पूछूं कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सेलेक्शन। मैं बोलूंगा एक डिफरेंस बता, परम्यूटेशन में ऑर्डर ऑफ द थिंग्स आर टेकन इन टू कंसिडरेशन एंड कॉम्बिनेशन में ऑर्डर ऑफ द थिंग्स आर नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दो को होता है मल्टीप्लीकेशन एडिशन। मल्टीप्लीकेशन में कौन सा वर्ड देखा जाता है, एंड, और एडिशन के लिए क्या देखा जाता है, और। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि स्कूल जाने के लिए 5 डिफरेंट बस है, ठीक है। तो जाएगा 5 डिफरेंट बस से, आते वक्त वो कोई भी 4 डिफरेंट बस से आ सकता है, अगर उसका ये इच्छा हुआ कि भैया हम जिस बस से जा रहे हैं उस बस से वापस नहीं आएंगे। ये जो टाइप का क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला, कोई भी रूट ले सकता है जाते वक्त भी और आते वक्त भी। तो 6 × 6, से फॉर एग्जाम्पल दे रहा है 6 रूट्स, तो जाते वक्त और आते वक्त कोई भी ले सकता है। तो 6 × 6 सेम रूट लेगा, तो जाने का 6 आने का 1, क्योंकि जिससे गया था उसी से वापस आ रहा है। विल नॉट टेक द सेम रूट, विल नॉट टेक द सेम रूट, इसका मतलब क्या, जाते वक्त का 6 आते वक्त का 5। तो यहां आप लिख लीजिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लीकेशन में एडिशनल क्वेश्चन बैंक का स्टार्टिंग का जो 5-6 क्वेश्चन है ना, 1 2 3, ये इससे रिलेटेड है। एडिशनल क्वेश्चन बैंक 1 2 3, ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझा देगा, ठीक है। एडिशनल रूल में क्या बोला, 5 बस है 4 ऑटो है, ठीक है। तो या तो कोई भी एक बस या कोई भी एक ऑटो, तो 5 + 4 9, क्लियर है। फैक्टोरियल मतलब सिखाए थे भाग मिलकर भाग, कब तक भागना आप लोगों को, जब तक 1 नहीं आ जाता और पीछे की तरफ भागेंगे। तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1, और 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 9 फैक्टोरियल में 6 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे आप लोग, 9 × 8 × 7, सर उसके बाद क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज 7 के बाद क्या आता है, 6 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है, 6 फैक्टोरियल, वो कैंसिल हो जाएगा। 10 × 9 × 8, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 3 का शॉर्टकट लिखो, बड़ा वाला का स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा बड़ा वाला का स्क्वायर इज द आंसर कंसिक्यूटिवली। 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर। आप बताएंगे 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस x/6 फैक्टोरियल कंसिक्यूटिव होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, x = 6 का स्क्वायर 36। x = 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। एग्जाम्पल 4 सर कैसे सॉल्व करना है, आप देख सकते हैं बेस्ट तरीका यही है सॉल्व करने का, बेस्ट तरीका यही है सॉल्व करने का, जैसे ये लोग ने किया है, ठीक है। बट मेरा मानना मतलब ये है कि हम लोग यहाँ तक तो सॉल्व करेंगे, ये यहाँ तक हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आप लोग कॉपी करिए, यहाँ तक आप लोग कॉपी करिए, उसके बाद मैं बताऊँगा। n+1 × n ब्रैकेट में n-1 का होल फैक्टोरियल इक्वल्स टू 30 × n-1 का फैक्टोरियल, यहां तक आप लोग कॉपी किए, उसके बाद आप देखेंगे ये और ये तो क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। आपके पास बच क्या रहा है, n+1 × n इक्वल्स टू क्या, 6 × 5, ये भी कंसिक्यूटिव, ये भी कंसिक्यूटिव, तो n का आंसर क्या आ गया, 5। एन का आंसर क्या आ गया, 5। ये प्रोसेस करने का दरकार नहीं है। क्लियर है, NPR ये होता है, याद रखिएगा। इसलिए हम लोग जब सम किए थे एक ठो,
एन इंटू एन माइनस वन डॉट 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 एन माइनस आर प्लस वन, उसमें फैक्टर का आंसर क्या लिखे थे हम लोग, आर, क्योंकि एन पी आर का मतलब ये होता है। और भी तरीके से एन पी आर को लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज वन ऑफ द वे, दिस इज वन ऑफ द वे। और इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, एन पी एन क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल, एकदम ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, कितना फैक्टर होगा, आर फैक्टर। जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, वन, जीरो फैक्टोरियल क्या होगा, वन। चलिए 5p3 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 × 4 × 3, 10p2 को, 10 × 9, 11p5 को, 11 × 10 × 9 × 8 × 7, जितना फैक्टर रहता है उतना बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जितना फैक्टर रहता है उतना बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5p3 क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3, 10p2 क्या हो जाएगा, 10 × 9, 11p5 क्या हो जाएगा, 11 × 10 × 9 × 8 × 7। क्लियर है? स्क्वायर और हेक्सागन, ये दोनों से क्या निकालते हैं, थ्री लेटर वर्ड बनाना है। आसान कब है, जब रिपीटेशन नहीं है, तो स्क्वायर में भी रिपीटेशन नहीं है, हेक्सागन में भी रिपीटेशन नहीं है। तो पहला वाला का आंसर क्या हो जाएगा, 6p3, और दूसरा वाला का क्या हो जाएगा, 7p3। और नोट में ये वाला बात लिख ले, नोट में ये वाला बात लिख ले, एनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड इवन दो इट मे और मे नॉट हैव एनी मीनिंग ऑन प्रोनाउंसिएशन। एनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड इवन दो इट मे और मे नॉट हैव एनी मीनिंग ऑन प्रोनाउंसिएशन। इट मे हैव एनी मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन। क्लियर? एग्जाम्पल टू, जब तक वर्ड्स में लेटर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, दैट इज वेरी सिंपल। 5% को ग्रुप में खड़ा करके फोटो खिंचवाना है, 5 फैक्टोरियल। तेरह लोग मेरे टीम में हैं, वो लोग को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देना है। तो 13p3 इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन थ्री स्टूडेंट्स बी एसोसिएटेड विथ फोर चार्टर अकाउंटेंट्स, 4p3, क्योंकि साफ साफ यहां बोल दिया है एट मोस्ट वन स्टूडेंट, एक से ज्यादा नहीं ले सकता। तो पहला वाला जो बच्चा है वो कोई भी चार को ले सकता है, दूसरा वाला के पास तीन ही ऑप्शन बचेगा, और तीसरा वाला के पास कोई भी दो ऑप्शन बचेगा। एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट बच जाएगा जिसको बच्चे नहीं मिलेंगे। थ्री स्टूडेंट्स बी एसोसिएटेड विथ फोर चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, तो पहला वाला कोई भी चार में से एक सेलेक्ट कर सकता है, दूसरा वाला कोई भी तीन में से एक, तीसरा वाला कोई भी दो में से एक। इफ 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम इज इक्वल टू 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन माइनस थ्री, एन माइनस वन, तो मतलब यहां बोला है 6 × np3 इक्वल टू 7 × n-1p3, यही बोला है यहां पर। तो अगर हम लोग अपना शॉर्टकट लगाएंगे तो 6 × n × n-1 × n-2, 7 × n-1 × n-2 × n-3 कैंसिल क्या हो जाएगा, n-1 n-2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है मेरे पास, 6n = 7n-21 और n = 21।
क्लियर है? एग्जाम्पल सिक्स तक कोई दिक्कत है? कंप्यूट द सम ऑफ फोर डिजिट नंबर्स विच कैन बी फॉर्म विद द फोर डिजिट्स 1357। ये हम लोग इतना बड़ा मेथड से नहीं करेंगे, हम लोग के पास शॉर्टकट है इसका। क्या शॉर्टकट था? एन माइनस वन का होल फैक्टोरियल इन टू सम ऑफ द डिजिट्स इन टू 10^(n-1)/9। ये शॉर्टकट है इस सम का। एन माइनस वन का होल फैक्टोरियल इन टू सम ऑफ द डिजिट्स इन टू 10^(n-1)/9। तो यहां पर एन कितना है? फोर। सम ऑफ द डिजिट्स कितना हुआ? करो कैलकुलेटर में, 1 + 3 + 5 + 7 कितना हुआ? 16। तो हो जाएगा 6 × 16 × 1111। कितना आ रहा है? 106656। 106656। वन जीरो डबल सिक्स फाइव सिक्स। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। NP360 है, मतलब 60 को हमको तीन कंसेक्यूटिव नंबर में ब्रेक करना है। तो इट हैज टू बी 543। सर आपको कैसे पता? हम स्टार्ट किए 1 2 3 से, 1 2 3 में आंसर नहीं आया, 2 3 4 में आंसर नहीं आया, 3 4 5 में आंसर आ गया। जो बड़ा वाला है वो आंसर, जो बड़ा वाला है वो आंसर। जितना फैक्टर्स बोलेगा उतना फैक्टर्स में कंसेक्यूटिवली ब्रेक करेंगे, उस ब्रेकअप में जो सबसे बड़ा ब्रेकअप होगा वो आंसर हो जाएगा। उस ब्रेकअप में जो सबसे बड़ा ब्रेकअप होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नाइन अगर आ गया एग्जाम में, पीटीओ जीटीए, पुट द ऑप्शन गेट द आंसर। पुट द ऑप्शन गेट द आंसर। ठीक है, क्लियर? और ऐसे नॉर्मली भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा देता हूँ। आपको क्वेश्चन पता है ना, मेरे को रिपीट करिएगा आप लोग क्वेश्चन, बताइए क्या क्वेश्चन है। 56 PR + 6 = 54 PR + 3 करेक्ट इक्वल्स टू 30,800 = 1। यही है। इस टू साइन का मतलब क्या होता है? डिवाइड। और डिवाइड जब इनटू में बन जाता है तब क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो एन पी आर का रेसिप्रोकल क्या होगा? एन माइनस आर फैक्टोरियल बाई एन फैक्टोरियल, करेक्ट? तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ? 56 फैक्टोरियल बाई 56 - R - 6 फैक्टोरियल × कैन आई राइट लाइक दिस? मैं ये लिख सकता हूं, यहां तक आप कॉपी कर लें।
यहाँ तक कॉपी हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल बाई 50 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 51 माइनस आर, बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 50 माइनस आर फैक्टोरियल यही बचेगा ना, यही तो बचेगा। तो ये गया ये गया ये गया ये गया, अब 55 30,800 डिवाइडेड बाई 55 डिवाइडेड बाई 56, तो मेरा 51 माइनस आर आ गया 10, तो आर का आंसर कितना आ गया 41। आर का आंसर कितना आ गया 41, आर का आंसर कितना आ गया 41, क्लियर। तो सम देख के जितना बड़ा लगता है उसका सॉल्यूशन अल्टीमेटली उतना ही सिंपल होता है। क्लियर है ये वाला, अच्छा n प्लस वन फैक्टोरियल में से n प्लस वन कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, n फैक्टोरियल, अब n फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, n प्लस वन माइनस वन, तो प्रूफ हो गया ना। n प्लस वन फैक्टोरियल में से n प्लस वन बाहर ले लो तो क्या बचेगा, n फैक्टोरियल, अब n फैक्टोरियल कॉमन लोगे तो क्या आएगा, n प्लस वन माइनस वन, तो क्या बच रहा है, n इंटू n फैक्टोरियल। दस क्लब में मेंबर है, उसमें से प्रेसिडेंट लेना है, सेक्रेटरी लेना है, ट्रेजरी लेना है, और एक जन दो पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता, तो 10P3, एक जन दो पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता, तो 10P3। When John arrives in New York, he has 8 shops to see, but he has time only to visit 6 of them. ठीक है, in how many different ways he can arrange his schedule? तो कोई भी 6 shop देखेगा, 8P6. क्योंकि यहाँ पे use the word has been used, arrange his schedule. सिर्फ पूछता कौन सा 6 shop देखेगा तो combination लगता, बट यहां बोला अरेंज ही शेड्यूल, तो पहले कौन सा शॉप देखेगा बाद में कौन सा देखेगा वो फर्क पड़ता है उससे। जब डॉक्टर राइव अपने डिस्पेंसरी में आया, व्हेन डॉक्टर राइव अराइव्स इन हिज डिस्पेंसरी ही फाइंड्स 12 पेशेंट वेटिंग टू सी हिम, इफ ही कैन सी ओनली वन पेशेंट एट ए टाइम फाइंड द नंबर ऑफ वेज ही कैन शेड्यूल हिज पेशेंट इफ ऑल वॉन्ट देयर टर्न। तो भाई 12P12 तुम आओ तुम आओ तुम आओ, जितना बार वो अपना अपना अरेंजमेंट होगा 12P12, तीन छोड़ दिया तो 12P9। तीन छोड़ दिया तो 12P9, क्यों स्लॉट अभी भी 12 ही है लेकिन पेशेंट कितना है 9, क्लियर। 4P3 क्या होता है, लिख लो 4 × 3 × 2, 4P4 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है। NPR में R को हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ता है, N हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा कभी नहीं होगा। ये अभी हम लोग देखे R इज द फैक्टर, ये भी हम लोग अभी सीखे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फटाफट ये 8 क्वेश्चन को ओवरव्यू कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिख लीजिए रेफर थ्योरी,
बोलिए, यहां तक क्लियर आपको? एन पी फोर को कैसे लिख सकते हो? एन एन माइनस वन, 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हो, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? एन माइनस टू, एन माइनस थ्री इक्वल्स टू क्या? तो बड़ा वाला कौन सा है? एन माइनस टू बड़ा है और एन माइनस थ्री क्या है? छोटा है, तो बड़ा के साथ बड़ा जाएगा और छोटा के साथ बड़ा। तो मेरा आंसर कितना आ गया? एन इज इक्वल टू 6। चलिए एन पी थ्री को ब्रेक करिए, क्या होगा? एन एन माइनस वन, एन माइनस टू बाई एन एन माइनस वन इक्वल्स टू 3। तो एन इक्वल्स टू 3 प्लस टू 5। बोलिए, यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 और 13 मेरे को बोलेगा कोई। यहां 11 नंबर में क्या है बताइए तो? एम प्लस एन पी टू इक्वल टू क्या? 56। और एम माइनस एन पी टू इक्वल टू क्या? 56। तो इसको दो फैक्टर में ब्रेक किए तो जो बड़ा वाला है वो आंसर। इससे मेरे को क्या मिल गया? दो इक्वेशन। अब एडिंग कर दो वन एंड टू को, तो 2m आ गया 14, तो m आ जाएगा 7, n आ जाएगा 1। एम आ जाएगा 7, एन आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहां जितना फैक्टर रहेगा ना उतना में ब्रेक करते हैं, उतना फैक्टर में ब्रेक करेंगे। ठीक है, 13 नंबर बताओ, एन वन प्लस एन टू क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि 132 था ना, 132 था, तो 12 इंटू 11। और एन वन माइनस एन टू कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 6 हो जाएगा, तो 2n1 इक्वल टू 18, तो n1 क्या हो जाएगा? 9, तो n2 हो जाएगा 3। n1 9 हो जाएगा, ठीक है? एन वन 9, एन टू क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? 5 PR इक्वल टू 60, तो ये क्या हो जाएगा? 5, 4, 3, कितना फैक्टर यूज किया?
ठीक है ना, तो इसका आंसर 3 हो रहा है, इसका आंसर 7 और 1, इसका आंसर आएगा 9 और 3। कंप्यूटर को रीअरेंज करने बोला, मतलब 8 फैक्टोरियल माइनस 1, रीअरेंज में हमेशा माइनस 1 करते हैं अपने। एट फैक्टोरियल माइनस 1 अच्छा, वॉवेल्स कितना है यहाँ पर? 4 है। क्या फॉर्मूला है? टोटल माइनस नंबर ऑफ वॉवेल्स प्लस 1 होल फैक्टोरियल। जितना को 7 मिले ना, उसको माइनस करके प्लस 1 करते हैं अपने। जितना को 7 में लेना है उसको माइनस करके प्लस 1 करते हैं। वॉवेल्स कमिंग टुगेदर बोला है ना, तो 4 वॉवेल कैसे हुआ? ए आई यू ई। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या था? 10 एग्जामिनेशन पेपर्स, बेस्ट एंड वर्स्ट आर नेवर टुगेदर। तो नेवर टुगेदर का मतलब लिखो, टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर, टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर, टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। तो टोटल क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल माइनस, अब दो चीज को एक साथ लेना है, तो अल्टीमेटली मेरा आ क्या रहा है? 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2। लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन ऐसा नहीं है, ऑप्शन ऐसा नहीं होगा, इसीलिए हम लोग को फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। फर्दर सॉल्व करके क्या आएगा? ये 10 फैक्टोरियल में से 10 अगर बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल बाहर निकालो, ठीक है ना? तो लिखो शॉर्टकट, टू थिंग्स अगर नेवर कम टुगेदर बोलेगा, टू थिंग्स अगर नेवर कम टुगेदर बोलेगा, तो एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन होल फैक्टोरियल, एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन होल फैक्टोरियल। एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन होल फैक्टोरियल, ठीक है? देखो शायद एक क्वेश्चन ऐसा है भी, एन थिंग्स जिसमें से दो थिंग्स नेवर कम टुगेदर, उसका आंसर यही होगा। तो इसका आंसर हो गया ये, इसका ये, और इसका हो जाएगा ये। 18 नंबर हम लोग अभी एग्जाम्पल में किए थे, 13P3, यहाँ क्या हो जाएगा? 12P3, 12P3, 12P3 मैंने सही बोला ना? नाइनटीन नंबर आप लोग कर लेंगे क्या? हम लोग ने एग्जाम्पल में खाली 1357 लेके किया था, तो यहां क्या हो जाएगा? 6 × 20 × 4 × 1, 4 क्योंकि खाली सम ऑफ द डिजिट्स चेंज होगा, बाकी तो प्रोसेस सेम रहेगा। वहां पर भी 4 डिजिट है, यहां पर भी 4 डिजिट है। क्या चीज बोले? तो इसका शॉर्टकट है एन माइनस वन होल फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ द डिजिट्स इंटू 10^(n-1)/9।
एग्जाम्पल में तुमने सेम सम किया है 1357 लेकर के, यहां तुमको क्या लेके करना है 2468। आगे बढ़े, क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 3, 4, 5, 6, 7। कितना डिजिट नंबर बनाना है? चार डिजिट। और किससे ज्यादा, किससे बड़ा होना चाहिए? तो या तो 5 से स्टार्ट होगा, या तो 6 से स्टार्ट होगा, या 7 से स्टार्ट होगा। अगर 5 से स्टार्ट हो रहा है तो जगह कितना बचा और डिजिट कितना बचा? चार बच रहा है ना, तो 4p3 इसका भी, 4p3 इसका भी, 4p3 इसका भी, 24, 24, 24, 72, 24, 24, 24, क्या हो जाएगा? 72। बोलिए, ग्रेटर देन 5000 बोला ना, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन था, तो 3, 4 से स्टार्ट नहीं हो सकता है। आगे बढ़े, मिटाओ इसको। फोर डिजिट नंबर बनाना है 0, 1, 2, 3, 4 से, कोई बात नहीं। चार डिजिट नंबर बनाएंगे तो 5p4 होगा, चार डिजिट नंबर बनाएंगे तो 5p4 होगा, लेकिन एक नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए माइनस कर देंगे 4p3। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो, नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो। तो 120 माइनस 24 इक्वल्स टू 96। नंबर स्टार्टिंग विद जीरो, जीरो से फिक्स कर दे तो बचा तीन जगह और चार डिजिट। एक नॉर्मल नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब ट्राइंगल में नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो कितना होता है? 8। यहां पर बोला है हर वर्ड में एंगल रहेगा, हर वर्ड में एंगल रहेगा मतलब क्या? एंगल इज फिक्स्ड, तो टी आर आई 3+1 एंगल 4 फैक्टोरियल। इसमें चार लेटर कौन कौन सा होगा? टी आर आई 3 लेटर होगा और एंगल वर्ड को 1 लेटर मानना है, ये फिक्स रहेगा एकदम, तो 4 फैक्टोरियल। फोर फैक्टोरियल डॉटर वर्ड में कितना लेटर है? 8, तो ऑड प्लेस कितना होगा? 4, लेकिन वॉवेल कितना मेरे पास? 3, तो 4p3। वॉवेल्स को अरेंज करने के बाद 5 जगह बच रहा है और 5 लेटर 5p5। पहले रेस्ट्रिक्शन को अरेंज करते हैं, उसके बाद जो बचता है उसमें फ्रीली अरेंज होता है बाकी सब। तो पहले वॉवेल्स को ऑड प्लेस में बैठाए 4p3, उसके बाद 5 जगह बच गया और 5 लेटर इंटू 5p5। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर परमुटेशन मैंने क्या सिखाया आपको, देखिए कि भले ए का पोजीशन चेंज हो रहा है लेकिन ए का जो नेबर है, ए का जो नेबर है वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना। ए का जो नेबर है वो चेंज नहीं हो रहा है। सर आपका बोलने का मतलब, ए हमेशा देखिए बी और डी के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या बोलने का चाह रहा है मतलब क्या है?
दिस फोर वर्ड्स इन सर्कुलर केस आर वन एंड द सेम थिंग. इसका मतलब एन ऑर्डिनरी परम्यूटेशन इज इक्वल्स टू वन सर्कुलर परम्यूटेशन. हेंस सर्कल का आंसर क्या होगा? एन माइनस वन फैक्टोरियल. सर्कल का आंसर क्या होगा? एन माइनस वन फैक्टोरियल. रीजन यहां से देख सकते हैं आप, क्लियर कर लीजिए. एक लीनियर अरेंजमेंट का बात करो तो ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी डी ए बी, डी ए बी सी, चारों अलग अलग है, बट सर्कल में ये चारों क्या है? सेम है. सर्कल में रिलेटिव पोजिशन नेबर्स के थ्रू देखा जाता है, इसीलिए सर्कुलर परम्यूटेशन का आंसर क्या हो गया? एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन होल फैक्टोरियल. लेकिन अब इसमें आगे एक चीज और नोटिस करना है हम लोग को. दिस अरेंजमेंट आर सच दैट एवरी पर्सन हैज गॉट द सेम टू नेबर्स. द ओनली चेंज इज दैट राइट साइड नेबर एंड वाइस वर्सा. अगर द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन पर्सन अलोंग अ राउंड टेबल सो दैट नो टू पर्सन हैज द सेम नेबर, उसका आंसर क्या होगा? हाफ इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल. इन द एग्जाम्पल ऑफ नेकलेस, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज वोंट बी डिफरेंट. अगर डिफरेंट चाहिए तो एन माइनस वन फैक्टोरियल. जब एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डिफरेंट होता है तो एन माइनस वन फैक्टोरियल. जब एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज सेम होगा तो एन माइनस वन फैक्टोरियल बाई टू. एग्जाम्पल देखो, फोर पर्सन सीट एट अ राउंड टेबल, आंसर क्या हो जाएगा? थ्री फैक्टोरियल. फोर पर्सन सीट एट अ राउंड टेबल, आंसर क्या हो जाएगा? थ्री फैक्टोरियल. अच्छा, ड्रॉट एक वर्ड है, वॉवेल्स नेवर बींग सेपरेटेड. इसका मतलब वॉवेल्स आर टूगेदर, वॉवेल्स आर टूगेदर. कितना वॉवेल है और लेटर कितना है? तो सेवन माइनस टू प्लस वन होल फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल. सुनो मेरा बात ध्यान से, टुगेदर का फॉर्मूला क्या होता है? एन माइनस एम प्लस वन होल फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल. इस सब में एन सेवन है और एम कितना है? टू. इस सब में एन कितना है? सेवन और एम कितना है? टू. एग्जाम्पल टू ऑलरेडी डन है. एक्सरसाइज वन ए, वन ए सॉरी फाइव ए. एग्जाम्पल वन क्लियर है सबको? एग्जाम्पल थ्री, कितना किताब है? इकोनॉमिक्स का छह, मैथ्स का दो, अकाउंटेंसी का दो. सेम सब्जेक्ट का बुक एक साथ रहेगा तो सब्जेक्ट कितना है? तीन. तो पहले सब्जेक्ट का अरेंजमेंट होगा, उसके बाद किताब का अरेंजमेंट होगा. फर्स्ट अरेंज सब्जेक्ट्स, देन अरेंज्ड बुक्स ऑफ द सब्जेक्ट. फर्स्ट अरेंज सब्जेक्ट, देन अरेंज बुक ऑफ द सब्जेक्ट, देन अरेंज बुक्स ऑफ द सब्जेक्ट. विकास जी थोड़ा पानी भी नहीं. एग्जाम्पल थ्री डन है. एग्जाम्पल फोर, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग एनी थ्री आउट ऑफ फाइव डिजिट्स? वन टू थ्री फोर फाइव. तो वन टू थ्री फोर फाइव में से तीन डिजिट का नंबर बनाना है, आंसर क्या होगा? फाइव पी थ्री. आंसर क्या होगा? फाइव पी थ्री. आंसर क्या होगा? फाइव पी थ्री. बिगिन विथ अ स्पेसिफाइड डिजिट, फोर पी टू. मतलब पहला प्लेस फिक्स हो गया तो फोर पी टू होगा ना.
पहला वाला केस में क्या बोला है? तीन डिजिट यूज करके नंबर बनाना, तो 5P3 हुआ ना, और बिगिन विद स्पेसिफाइड डिजिट का मतलब एक जगह फिक्स हो गया, तो 4P2 बिगिन विद स्पेसिफाइड डिजिट एंड एंड विद अनदर स्पेसिफाइड डिजिट, इसका मतलब हो जाएगा 3P1, क्योंकि पहला प्लेस भी गया और दूसरा प्लेस भी गया, लास्ट का प्लेस। क्लियर? हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विद डिजिट 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9? यहां बच्चा मिस्टेक क्या करता है, सोचता है 1 से लेकर के 9 तक है, गलत। 4 भी मिसिंग है, 6 भी मिसिंग है, मतलब टोटल देर आर 7 डिजिट्स, और नंबर कितना बनाना है, 4 का। तो पहला वाला का आंसर क्या होगा, 7P4। पहला वाला का आंसर क्या होगा, 7P4। पहला वाला का आंसर क्या होगा, 7P4। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनेगा। ग्रेटर देन 3000 बोला है, इसका मतलब यहां पर क्या हो सकता है, 3, 5, 7, 8, 9, जगह कितना बचा, 3, जगह कितना बचा, 3, और डिजिट्स बचा है 6। कितना केस हुआ ऐसा, 5। एक केस का आंसर अगर 120 है तो ऐसा कितना केस है, 5 केस है ना, तो 120 × 5, 120 × 5। बोलिए क्लियर है? है ना? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000 दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। अब यहां पर कंफ्यूज होगा बच्चा, अभी तक बच्चा को बोल दिया जा रहा था 4 डिजिट या 5 डिजिट, यहां पर कुछ बोला नहीं है, ग्रेटर देन 2000 बोला है, तो 4 डिजिट भी हो सकता है और 5 डिजिट भी हो सकता है। ओनली ग्रेटर देन 2000 इज मेंशन्ड एंड 5 डिजिट्स आर गिवन मेरे को, तो ऑल द 5 डिजिटेड नंबर्स आर ग्रेटर देन 2000। All the 5 digited numbers are greater than 2000. ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, देखो मैं पहले लिख रहा हूं, 4P1 × 4P3 + 5P5। बताना सही लिखा या गलत लिखा, 4P1 × 4P3 + 5P5। 5P5 तो क्लियर हो गया, 5 digited नंबर है। सर 4P1 क्यों लिखा, बिकॉज 4 डिजिटेड नंबर का स्टार्टिंग या तो 2 से होगा या 3 से होगा या 4 से होगा या 5 से होगा, इसीलिए 4P1। और जब एक जगह फिक्स हो गया तो जगह कितना बचा, 3, और डिजिट कितना बचा, 4। अभी पिछले सम में हम लोग किए थे, 4P1 मतलब या तो 2 से स्टार्ट हो सकता है या 3 से स्टार्ट हो सकता है या 4 से स्टार्ट हो सकता है या 5 से स्टार्ट हो सकता है, 1 से तो स्टार्ट नहीं हो सकता ना, क्यों हम लोग लिए ही नहीं तो माइनस करके क्यों दिखाएंगे। फोर डिजिटेड नंबर कैन आइदर स्टार्ट फ्रॉम 2 or 3 or 4 or 5, बिकॉज कंडीशन क्या बोला, ग्रेटर देन 2000, कंडीशन बोला है ग्रेटर देन 2000। ठीक है, नेक्स्ट, 6 स्टूडेंट्स ऑफ 2 हुम आर इंडियंस, 2 आर अमेरिकन एंड 2 आर रशियन। फोटोग्राफ में खड़ा रहेगा, 2 इंडियंस एक साथ, 2 अमेरिकन। तो ठीक है, पहले अरेंजमेंट ऑफ कंट्रीज 3 factorial, फिर वो लोग आपस में अरेंज करेगा। पहले अरेंजमेंट ऑफ कंट्रीज, फिर अरेंजमेंट ऑफ पीपल ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्रीज।
पहले अरेंजमेंट ऑफ कंट्रीज, फिर अरेंजमेंट ऑफ पीपल ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, चार भाई तीन बहन, सारी बहन एक साथ बैठेगी तो चार भाई और एक बहन मान लो, सिट टुगेदर बोला है तो चार भाई और एक बहन मतलब 5 फैक्टोरियल, उस एक बहन के अंदर तीन बहन आपस में अरेंज करेगी, चार भाई और एक बहन उस एक बहन के अंदर तीन बहन आपस में अरेंज करेगी। नेवर टुगेदर में और नो टू सिस्टर सिट टुगेदर में फर्क है, नेवर टुगेदर बोलता तो टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर, जब बोला है नो टू सिस्टर सिट टुगेदर तो पहले चार भाई को अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल वे में, अब चार भाई के बीच में तीन जगह, साइड में दो जगह, मतलब देयर आर 5 प्लेसेस वेयर 3 सिस्टर्स कैन बी अरेंज्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5p3, आंसर क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5p3। जब भी बोलेगा ना नो टू, नो टू थिंग्स शुड कम टुगेदर, नो टू जब बोलेगा तब उसके ऑपोजिट वाले जो है उसको पहले अरेंज करेंगे, जैसे यहां पे नो टू सिस्टर्स बोला है तो पहले किसको अरेंज करना है, लड़का लोग को अरेंज करना है, उसके बीच में और साइड में जो जगह आएगा उसमें किसको अरेंज करना है, सिस्टर लोग को। ठीक है, कर लीजिए आराम से, हड़बड़ी नहीं है। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 persons बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, मतलब 7 फैक्टोरियल, दो इंसान साथ बैठेगा तो हम लोग 8 लोग थे लेकिन अब हो गए 7, क्योंकि दो इंसान तो हमेशा साथ साथ घूम रहा है तो 8 बन गया 7, 7 को राउंड टेबल में अरेंज करेगा तो 6 फैक्टोरियल, अब वो दोनों आपस में अरेंज करेगा, 8 लोग को राउंड टेबल में अरेंज करने के लिए होता है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पर बोल रहा है दो इंसान साथ बैठेगा तो अब 8 लोग नहीं बचे, अब 7 लोग बैठे, क्योंकि 7वां इंसान जहां जाएगा वो 8वां भी वहीं जा रहा है, अब 7, 8 और 8, 7 में क्या हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है, इसीलिए 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है यहां तक? एग्जाम्पल लाइन डन, 6 boys and 5 girls आर टू बी सीटेड फॉर अ फोटोग्राफ इन अ रो सो दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स नो टू बॉयज। अब ये तो अच्छा झमेला हो गया, नो टू गर्ल्स नो टू बॉयज, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा ना इसका मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो पहले गर्ल्स को अरेंज करेंगे, जो छोटा है पहले उसको अरेंज करेंगे, G1, G2, G3, G4, G5, आंसर क्या आ गया 5 फैक्टोरियल, अब बीच में निकलेगा 4 जगह, साइड में 2, इंटू 6 फैक्टोरियल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर ही देगा,
कंसेक्यूटिव नहीं दिया तो पॉसिबल नहीं है, या तो सेम देगा या तो कंसेक्यूटिव देगा। और अब कैसे पॉसिबल है, 7 और 3 में तुम अरेंज कर, नो टू बॉयज नो टू गर्ल्स कैसे होगा? तो ये जब क्वेश्चन लिख रहा है ना, तो यहां लिख लेना या तो इक्वल होगा या तो कंसेक्यूटिव होगा। अगर कंसेक्यूटिव बोला है तो जो दिया हुआ है उसका फैक्टर एंड मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 5 लड़का 5 लड़की बोलता तो यहां पर आंसर क्या होता, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2, क्योंकि क्योंकि लड़का और लड़की इवन, लड़की और लड़का इवन, तब तो ऑड इवन का चक्कर आ जाता ना। क्लियर है? एग्जाम्पल 10 के नीचे नोट लिख लो, सेम क्वेश्चन विथ 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, सेम क्वेश्चन विथ 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, तो नोट क्या होगा, सेम क्वेश्चन विथ 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स तो नोट क्या होगा? आंसर क्या होगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2। रीजन लिख लेना, फर्स्ट केस बॉयज ऑड गर्ल्स इवन, फर्स्ट केस बॉयज ऑड गर्ल्स इवन, सेकेंड केस गर्ल्स ऑड बॉयज इवन। चलो 5B स्टार्ट करेंगे। 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग, 6 फैक्टोरियल। 7 बॉयज सिट टुगेदर, 2 पर्टिकुलर बॉयज मे सिट टुगेदर, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 50 डिफरेंट जुएल्स, पहला 3 क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा एकदम आराम से। चौथा वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ो। 3 लेडीज 3 जेंट्स को राउंड टेबल में बैठाना है, 2 एंड सिर्फ 2 ही लड़की साथ बैठेगी, कोई बात नहीं। तो 3 लड़का लोग को हम अरेंज कर दिए, आंसर क्या आया, 2 फैक्टोरियल। अब जय मां, 3 लड़की लोग यहां खड़ी है, ओनली 2 एंड ओनली 2, तो कौन सी दो लड़की सिलेक्शन करना होगा। अब लड़की को कहां बैठा सकते हैं, यहां यहां यहां, 3P1, तो ये लोग तो टुगेदर है ना, हाँ, इंटू 2 फैक्टोरियल। सीता गीता गीता सीता, हाँ। अब से फॉर एग्जाम्पल ये जगह ब्लॉक हो गया तो, और ये लड़की चली गई, तो कितनी लड़की बची, जगह कितना बचा, इंटू 2P1। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 8 इंटू 3 24 इंटू 2 72। बोलिए, क्लियर है यहां तक आपको?
डॉगमेटिक में 8 लेटर होता है, 8 फैक्टोरियल, डॉगमेटिक में 8 लेटर होता है, तो 8 फैक्टोरियल। 10 चीज में से 4 चीज लेना, उसमें से एक चीज हमेशा आएगा, तो लिखो अतिथि देवो भवो, अतिथि देवो भवो, 4P1, जो आया पहले उसको अरेंज करो, फिर जगह बचा 3, लोग बचे 9, अतिथि देवो भवो। जगह जगह बचा 3, लोग बचे 9। तो इसका टेक्निक क्या है, फर्स्ट अरेंज द थिंग्स विच इज ऑलवेज कमिंग, फर्स्ट अरेंज द थिंग्स विच इज ऑलवेज कमिंग, देन इन विच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर ऑकर्स, तो 9P4, 10 में से एक तुच्छ प्राणी को निकाल दिए, इसका आंसर कितना आया, दो जने 6 सीट है, 6P2, सौ और हजार के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो क्या हो जाएगा, 5P3, सॉरी 5P3 नहीं, 7P3 होगा ना, 7P3, 7P3, क्योंकि लिख लो 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिटेड नंबर ही बनेगा, 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिटेड नंबर ही बनेगा, 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिटेड नंबर ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 10 एंड 1000 के बीच में 2 डिजिटेड भी बन सकता है और 3 डिजिट भी बन सकता है, लेकिन यहां पर एक सोचने वाला बात यह है कि 0 भी दिया हुआ है, 0 भी दिया हुआ है, तो 6P2 - 5P1 प्लस 6P3 - 5P2, दिस इज फॉर 2 डिजिटेड, दिस इज फॉर
थ्री डिजिट। सब्ट्रैक्ट क्या करें सर आप? नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो। सब्ट्रैक्ट क्या करें? नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो। सो 30 माइनस 5 प्लस 120 माइनस 5 इंटू 4, 25 प्लस 100, 125। 25 प्लस 100, 125। 25 प्लस 100, 125। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रेफर एक्सरसाइज 1 है। NP4 इक्वल्स टू 12 इंटू NP2। NP4 इक्वल्स टू 12 इंटू NP2। इस क्वेश्चन का मतलब वही है। NP4 इक्वल्स टू 12 इंटू NP2। और ये प्रॉपर्टी भी मैंने दिया था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। R प्लस 1 PR माइनस 1, तो 10 तक दिया ना, तो 11P11 -1 हो जाएगा। 11P11 -1 हो जाएगा। नाइन डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स। तो पहला प्लेस के लिए 9P1, क्योंकि जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। फर्स्ट प्लेस के लिए 9P1, बच गया 8 जगह और 9 डिजिट। तो 9P1 इंटू 9P8, 9 × 9 फैक्टोरियल। फर्स्ट प्लेस कैन नॉट बी जीरो, इसीलिए 9P1। तो जब पहला प्लेस फिक्स हो गया है तो जगह कितना बचा? 8, और डिजिट बचा 9। तो आंसर क्या होगा? 9P1 × 9P8। अब 9P1 तो 9 होता है, और NPN-1 क्या होता है? N फैक्टोरियल। छह में से 3 लोग साथ बैठेंगे तो 6 − 3 + 1 कितना होता है? 4। 4 फैक्टोरियल। अब वो 3 लोग आपस में अरेंज करेंगे। छह में से 3 लोग साथ बैठेगा तो बचा 4। छह में से वो 3 लोग साथ बैठेंगे तो बचा 4। पांच स्पीकर है। ए विल ऑलवेज स्पीक बिफोर बी। इमीडिएटली बिफोर बी बोला नहीं है, तो इसको रिपीटेशन माना जाएगा, क्योंकि ऑर्डर फिक्स हो गया, पहले ए बाद में बी। तो 5 फैक्टोरियल बाई 2, 5 फैक्टोरियल बाई 2, क्योंकि इसको हम लोग क्या मानते हैं? रिपीटेशन। ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर बी, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द पर्सन्स हैव बीन फिक्स्ड। व्हेन ऑर्डर ऑफ द पर्सन इज फिक्स्ड, इट इज ट्रीटेड एज रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, रिपीटेशन ऑफ थिंग्स, रिपीटेशन ऑफ थिंग्स। नोट में लिख लो, इफ ए विल स्पीक इमीडिएटली बिफोर बी बोला होता, इफ ए विल स्पीक इमीडिएटली बिफोर बी बोला होता, देन आंसर वुड हैव बीन 4 फैक्टोरियल। दस ट्रेन है जाने के लिए और आने के लिए अलग, तो 10 × 9 90। 10 × 9 90, 10 × 9 90, 8
स्वेट्स नहीं होगा, ये मिठाई है, स्वीट होगा। आठ मिठाई है और आठ जन है। सबसे बड़ा वाला जो मिठाई है वो सबसे छोटे वाले को मिल गया, तो कितना मिठाई बचा, कितने लोग बचे? सात, तो 7P7, 7P7। मंडे एक ऐसा वर्ड है जिसमें छह लेटर है, तो एम से शुरू होने वाले वर्ड कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल, क्योंकि एम फिक्स हो गया। अब डू नॉट एंड विथ एन, मतलब हम लोग क्या करेंगे, बिगिन विथ एम एंड एंड विथ एम से माइनस कर देंगे। बिगिन विथ एम और एंड विथ एन से माइनस कर देंगे, तो 120 माइनस 24, 96। वन ट्वेंटी माइनस 24, 96। कितना प्लस साइन है? 6। और बोला नो टू माइनस साइन ऑकर टुगेदर, तो पहले प्लस साइन को अरेंज करेंगे 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल वेज में। क्यों सर? क्योंकि प्लस साइन एक आइडेंटिकल चीज है, रिपीटेशन। अब 6 प्लस साइन के बीच में और साइड में 7 जगह निकलेगा, 4 माइनस साइन को वहां अरेंज करेंगे। पहले 6 प्लस साइन अरेंज होगा, हम पहले बताए ना, नो टू जहां बोलेगा उसके ऑपोजिट जो है उसको पहले अरेंज करना पड़ता है। तो पहले 6 प्लस साइन को अरेंज करेंगे, 6 प्लस साइन को अरेंज करने के बाद, 6 प्लस साइन को अरेंज करने के बाद जो जगह निकलेगा उसमें 4 माइनस साइन को अरेंज किया जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल बी अरेंज सो दैट कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। तो कितना लेटर है? 6 है, 6 मतलब 3 और 3 इवन, और यहां पे 3 ही कॉन्सोनेंट है, तो 3P3 इंटू 3P3। ठीक है, 5 लोग राउंड टेबल में बैठे हैं। लंबा आदमी हमेशा नाटा के बगल में होगा। अगर लीनियर अरेंजमेंट होता इसका मतलब क्या होता? अगर लीनियर अरेंजमेंट होता तो इसका मतलब क्या होता? ऑर्डर फिक्स हो गया है, पोजीशन फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन यहां सर्कल का बात कर रहे हैं, तो सर्कल में जब ये बात ऐसा बोलता है ना कि टुवर्ड्स द राइट ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, इसका मतलब वो दोनों फिक्स हो चुका है। बिकॉज सर्कल में राइट का मतलब इमीडिएट राइट होता है, लेकिन लीनियर में राइट का मतलब इमीडिएट भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। तो ये सर्कुलर है ना, तो यहां पे टॉलेस्ट पर्सन हमेशा शॉर्टेस्ट पर्सन के राइट में आना चाहिए। इसका मतलब दे आर फिक्स्ड, तो आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैसे? 3 फैक्टोरियल सर्कल है ना, तो 2 आदमी फिक्स हो गया, तो 4 आदमी का सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है बोलो? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन लिखिए, सेलेक्शन ऑफ 5 क्लर्क्स फ्रॉम 20 एप्लीकेंट्स। ये मेरा पहला सम है, सेलेक्शन ऑफ 5 क्लर्क्स फ्रॉम 20 एप्लीकेंट्स।
आंसर क्या होगा? 20C5। आंसर क्या होगा? 20C5। सेलेक्शन ऑफ 5 क्लर्क्स फ्रॉम 20 एप्लीकेंट्स। आंसर क्या होगा? 20C5। उसके बाद सेलेक्शन ऑफ ए पोकर हैंड, बस इतना ही। सेलेक्शन ऑफ ए पोकर हैंड फ्रॉम 52 कार्ड्स। सेलेक्शन ऑफ ए पोकर हैंड फ्रॉम 52 कार्ड्स। आपको एग्जाम में ये बात सीख के जाना पड़ेगा, पोकर हैंड में होता है 5, तो इसका आंसर क्या होगा? 52C5। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, सेलेक्शन ऑफ ए पोकर हैंड फ्रॉम 52 कार्ड्स। आंसर क्या होगा? 52C5। आंसर क्या होगा? 52C5। एनसीआर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। एनसीआर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग तरीका है लिखने का। और एनसीआर का फॉर्मूला ये है, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो परम्यूटेशन में भी था, यहां पर एक एक्स्ट्रा है इनटू आर फैक्टोरियल। यहां पर एक एक्स्ट्रा है इनटू आर फैक्टोरियल। इससे समझ में आता है, अगर परम्यूटेशन में से ऑर्डर हटा ले तो वो क्या बन जाएगा? कॉम्बिनेशन। ये डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल करने का मतलब क्या हुआ कि परम्यूटेशन में जो हम लोग ऑर्डर को कंसिडरेशन में लिए थे उसको रिमूव किया जा रहा है। उसको क्या किया जा रहा है? रिमूव किया जा रहा है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि एन पी आर बाई एन सी आर इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल। एन पी आर बाई एन सी आर इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल। एन पी आर बाई एन सी आर इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल। ठीक है सर, ये 52C5 सॉल्व कैसे करते हैं? ऊपर 5 बार और नीचे भी 5 बार मल्टीप्लीकेशन। ऊपर 5 बार और नीचे भी 5 बार मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? बट परम्यूटेशन में खाली ऊपर करते थे। लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ 8 पॉइंट्स इन अ प्लेन विथ नो 3 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 छे, बट यहां क्या पूछा है? ट्राइंगल पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8C3। ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए। ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए। ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए। कमिटी वर्ड बोलेगा मतलब सेलेक्शन। कमिटी वर्ड बोलेगा मतलब सेलेक्शन। तो 3 इंसान का कमिटी बनाना है 12 आदमी से, तो 12C3। 3 आदमी का कमिटी बनाना है 12 में से, मतलब 12C3। तीन आदमी का कमिटी बनाना है 12 में से, मतलब 12C3। क्लियर? कमिटी 7 जन का बनाना है। 6 सीए है मेरे पास, 4 इकोनॉमिस्ट है, 5 कॉस्ट अकाउंटेंट है। एक हर ग्रुप से चाहिए और 3 सीए चाहिए। कम से कम 3 सीए चाहिए और एक बाकी दोनों में से। तो अगर हम 3 सीए से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 इको 2 कॉस्ट, 4 सीए लेंगे 2 इको 1 कॉस्ट, 4 सीए 1 इको 2 कॉस्ट, 5 सीए 1 1, 3 सीए 3 इको 1 कॉस्ट और 3 सीए 1 ये 1 ये। वी आर मेकिंग नंबर ऑफ केसेस, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल पॉसिबल केसेस। तो आप भी सेम फॉर्मेट में करेंगे, बस खाली आप यहां ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? 6, 4 और 5। अब आप आंसर बनाएंगे इसका। देखिए 6C3, जब एक ही मेथड में अलग अलग बनता है वो मल्टीप्लाई होता है, बिकॉज इसको रीड आउट कैसे करेंगे?
आई हैव सेलेक्टेड अ कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स विद 3 सीएज एंड 2 इकोनॉमिस्ट एंड 2 कॉस्ट अकाउंटेंट. व्हाट इज द लैंग्वेज आई एम यूजिंग? एंड एंड मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. और आई हैव गॉट अनदर वन केस वेयर वी कैन टेक 4 सीएज, 1 इकोनॉमिस्ट एंड 2 सीएमएस, कॉस्ट अकाउंटेंट. तो जब एक ही मेथड में डिफरेंट डिफरेंट केस बनता है उसमें एंड यूज होता है. ठीक है, चलिए फटाफट से उसको कंप्लीट करिए, मैं टाइम दे रहा हूं आपको. इट इज इंपॉर्टेंट सम. तो हो गया होगा आप लोग ये वाला सम. हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसके बीच में जो मैं जो भी बोल रहा था वो आपके समझने का नहीं था. ठीक है, अ गेस्ट हैज 12 फ्रेंड्स आउट ऑफ होम 8 आर रिलेटिव्स. भैया 8 रिलेटिव है मतलब 4 को दोस्त बना लो या गेस्ट बना लो. 5 रिलेटिव चाहिए मतलब 8C5, बाकी 4 में से 2. टोटल आपको 7 चाहिए तो 8C5 इंटू 4C2, 12 में से अगर 8 रिलेटिव है तो 4 क्या होंगे? गेस्ट. और हमको टोटल में 7 गेस्ट चाहिए, उसमें से क्या है? 5 रिलेटिव. तो 8C5 इंटू 4C2. छह में से किसी 2 को प्रमोशन देना है. किसको प्रमोशन दे रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, किस 2 को देगा उससे फर्क पड़ता है. इसलिए 6C2, पहले किसका नाम लिया उससे फर्क नहीं पड़ेगा, प्रमोशन एट लास्ट 2 को ही दे रहा है. तो 6C2. कॉन्ट्रैक्टर पहले किसको दे नाम ले रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, किस 3 का नाम आया उससे फर्क पड़ेगा. इसलिए 10C3. और साफ साफ यहां बोला है सेलेक्शन और प्रमोशन में नाम इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर ऑफ द नेम इंपॉर्टेंट नहीं होता है.
सेवन तक डन है, उसके बाद फोर इंटू एन सी टू और इक्वल टू एन प्लस टू सी थ्री है, तो देखो क्या होगा, फोर इंटू एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल्स टू एन प्लस टू एन प्लस वन एन बाई थ्री इंटू टू इंटू वन, टू टू कैंसल, एन और एन कैंसल, तो क्या होगा अब, फोर एन माइनस फोर इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू, बाई थ्री, तो ट्वेल्व एन माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू, और एन स्क्वायर माइनस नाइन एन प्लस फोर्टीन इक्वल्स टू जीरो, तो मेरा एन का आंसर क्या आएगा, टू और सेवन, टू हो नहीं सकता, सेवन होगा, क्योंकि एन कैन नॉट बी लेस देन आर, तो एन का आंसर क्या आएगा, सेवन। आगे बढ़े, एन प्लस टू होल फैक्टोरियल बाई एन फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इक्वल्स टू 45, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल आया, अब ये क्या हो जाएगा, एन प्लस वन इंटू एन इक्वल्स टू 90, इक्वल्स टू 90, सॉरी एन प्लस वन होगा यहां पर, ये एन प्लस वन होगा, तो एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन इक्वल्स टू टेन इंटू नाइन, तो एन का आंसर आ जाएगा एट, एन का आंसर आ जाएगा एट। हमेशा बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं, हमेशा बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, सेवन रेड सिक्स व्हाइट एंड फोर ब्लू बॉल्स, हाउ मेनी सेलेक्शन ऑफ थ्री बॉल्स कैन बी मेड, तो सेवन प्लस सिक्स कितना होता है, थर्टीन प्लस फोर सेवनटीन, तो आंसर क्या होगा, अच्छा ऑल थ्री आर रेड बोला है, तो सेवन सी थ्री, नन इज रेड, तो टेन सी थ्री, वन ऑफ ईच कलर, तो सेवन सी वन इंटू सिक्स सी वन इंटू फोर सी वन, ऑल थ्री आर रेड बोला तो रेड में से तीन ले लेंगे, नन इज रेड बोला तो रेड को छोड़ के बाकी दस में से तीन, वन ऑफ ईच कलर बोला मतलब क्या, सेवन सी वन इंटू सिक्स सी वन इंटू फोर सी वन, आगे बढ़े, टेन पी आर दिया है, टेन सी आर दिया है, तो आर फैक्टोरियल कितना होगा, डिवाइड कर दो, 10 पी आर बाई टेन सी आर को डिवाइड करो तो आर फैक्टोरियल आ जाएगा, अगर आर फैक्टोरियल 5040 है तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल, देयरफॉर आर इक्वल्स टू 7, एन पी आर बाई एन सी आर करने से आर फैक्टोरियल आता है,
एनपीआर बाई एनसीआर करने से आर फैक्टोरियल आता है, एनपीआर बाई एनसीआर करने से आर फैक्टोरियल आता है, एनपीआर बाई एनसीआर करने से आर फैक्टोरियल आता है। तो आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5040 आ रहा है। 5040 मतलब क्या होता है, 7 फैक्टोरियल, देयरफॉर आर इक्वल्स टू 7। ठीक है, प्रॉपर्टी सब याद कर लीजिएगा, जितना भी प्रॉपर्टीज है, खाली जो उसका फाइनल आंसर है वो याद करिएगा बस। अच्छा, जब ऊपर वाला दोनों बराबर होता है और इक्वेशन में होता है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर प्लस टू इक्वल्स टू 18। तो आर का आंसर हो जाएगा 16/2, 8। आर का आंसर हो जाएगा 16/2, 8। आर का आंसर हो जाएगा 16/2, 8। दोनों नीचे वाले को जोड़ने से ऊपर वाला आना चाहिए। ठीक है, खाली बस लर्न कर लेना प्रूफ को, सॉल्व करने का दरकार नहीं है, लर्न। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है, क्वेश्चन को याद करके आंसर याद कर लेना। इसमें आर का आंसर कितना आ रहा है, 7। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछता है बहुत बार। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी प्रूफ है उसको याद कर लो भाई, ऐसा आएगा तो ये आंसर होगा। और ये एग्जाम्पल नंबर 13, 13 माह खतरा, इसको तो भाई याद कर ही लेना, आंसर 7। 3-4 बार लिखेगा सम को तो आंसर याद हो जाएगा इसका। भाई हम जितना सिखाएं उसमें सॉल्यूशन होगा, बट बहुत लंबा टाइम लगेगा, उतना टाइम है नहीं मेरे पास, तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना। ठीक है, आर की जगह हो सकता है एन बोल दे, एक्स बोल दे, कुछ भी बोल सकता है, ये बात याद रखना, बट यही होना चाहिए 225/11 ऐसे करके। अच्छा, 12C5 प्लस 12C4 प्लस 12C4 प्लस 12C3, क्या मैंने ब्रैकेट सही लिखा है? NCR प्लस NCR माइनस 1, तो ये हो जाएगा 13C5, ये हो जाएगा 13C4, फिर से क्या हो जाएगा 14C5, इसको इक्वेट करना है 14CX से, तो X का आंसर क्या हो गया, 5। एक्स का आंसर क्या हो गया, 5। पहले LHS सॉल्व करो, LHS सॉल्व करके 14C5 आ रहा है, फिर उसको RHS से कंपेयर करो। बोलिए, सोचे, सब जो भी प्रॉपर्टी है प्लीज ध्यान दीजिएगा। रिपीटेशन डिवाइड होता है पता ही होगा आपको, तो कैलकुलस में कितना लेटर है, 8 लेटर है। सी कितना बार आ रहा है, 2 बार। यू, एल, सेवनटीन बिलियर्ड्स बॉल है, उसमें 7 रेड 7 ब्लैक 6 रेड 4 व्हाइट, तो रिपीटेशन हो रहा है, तो जितना भी रिपीटेशन हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, जितना भी रिपीटेशन हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, जितना भी रिपीटेशन हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। 17 बिलियर्ड बॉल्स, 7 ऑफ देम आर ब्लैक 6 रेड एंड 4 व्हाइट, तो जितना भी रिपीटेशन हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। अब मेरा बात सुनो, अगर कॉम्बिनेशन में एटलीस्ट वन बोलेगा,
एटलीस्ट वन, लिखो एक जगह, एटलीस्ट वन ब्रैकेट में डिफरेंट, तो टू टू द पावर एन माइनस वन। अगर डिफरेंट चीजों के लिए एटलीस्ट वन पूछेगा तो टू टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है? तो ऑब्वियस है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन तो सेम सेम नहीं पूछेगा। अगर पहला वाला बोला है राइट डाउन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, तो दूसरा मतलब वापस बोलेगा नहीं हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तो यहाँ क्या बोला है, 10 क्वेश्चन है, उसमें से 6 क्वेश्चन एल्जेब्रा का है और 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। आपको बोला है एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच इज टू बी अटेम्प्टेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, एल्जेब्रा के लिए 2 टू द पावर 6 माइनस 1, ज्योमेट्री के लिए 2 टू द पावर 4 माइनस 1। एल्जेब्रा के लिए 2 टू द पावर 6 माइनस 1, ज्योमेट्री के लिए 2 टू द 4 माइनस 1, एल्जेब्रा के लिए 2 टू द पावर 6 माइनस 1, ज्योमेट्री के लिए 2 टू द पावर 4 माइनस 1। क्लियर हो गया? तो ये चीज अगर एटलीस्ट वन क्वेश्चन बोलता तो 2 टू द पावर 10 माइनस 1 हो जाता। 2 क्यों ले रहे हैं, हाँ या ना? एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे या नहीं करोगे? 5 दोस्त है, 1 और मोर फ्रेंड्स, तो 2 टू द पावर 5 माइनस 1। 1 और मोर का मतलब होता है एटलीस्ट वन, 1 और मोर का मतलब होता है एटलीस्ट वन, 1 और मोर का मतलब होता है एटलीस्ट वन। अब एक चीज लिखो, ये प्रूफ है, ये लिख लो कि NC1 से लेकर के अगर NCN तक जाएंगे तो 2 टू द पावर n माइनस 1 ही आता है। तो या तो हम एक दोस्त को बुला सकते थे, या 2 को या 3 को या 4 को या 5 को, तो 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5 इक्वल्स टू व्हाट, 2 टू द पावर 5 माइनस 1। सात मेन, 7 men and 3 ladies, 6 का कमिटी बनाना है, एटलीस्ट 2 ladies, तो 3C2 into 7C4 plus 3C3 into 7C3, 2 ladies और 3 ladies, 4 ladies तो बना नहीं सकते, है ही नहीं तो बनाएंगे कहां से। 3C2 into 7C4 plus 3C3 into 7C3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनेशन में 11 लेटर है, कितना लेटर है, 11, और 3 ऐसे लेटर है जो रिपीट कर रहे हैं, मतलब जो पेयर में आते हैं, करेक्ट? तो हम लोग को 4 लेटर का सिलेक्शन करना है, 4 लोगों का चुनाव करना है हम लोगों को, ठीक है? तो कैसे कर सकते हैं, या तो चारों अलग अलग, या दो सेम, अलाइक मतलब सेम होता है, या एक पेयर सेम और बाकी दोनों अलग। तो चारों अलग करेंगे तो 8C4, अरे भैया 8C4 कैसे आया, क्योंकि 8 ही अलग अलग लेटर है। 2 पेयर लेंगे तो 3C2, 3 पेयर में से 2 ले लिए, और जब 1 पेयर लेंगे तो 3C1, जैसे ही एक बैचलर जोड़ा बन गया तो वो तो बैचलर में से हट जाएगा ना, तो बचा क्या, 7C2, बचा क्या, 7C2, ठीक है? मुझे पता है हम लोग ने सब सम किया है कॉन्सेप्ट क्लास में, बट फिर भी जितना बार रिवाइज कर लो भगवान को उतना शुक्रिया अदा करना अपने टीचर का, गुरु का, ठीक है? चलिए आइए, 12C4 प्लस 12C3 क्या हो जाएगा, 13C4। चलिए फटाफट आंसर निकाल के बताइए, 12C4 प्लस 12C3, थर्टीन इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 24, 715, वेरी गुड। एनपीआर एनसीआर दिया हुआ है, तो एनपीआर बाई एनसीआर क्या होता है,
आर फैक्टोरियल, तो हम लोग के सम में आर फैक्टोरियल क्या आ रहा है? सिक्स, मतलब आर का आंसर हो गया थ्री, क्योंकि सिक्स का मतलब होता है थ्री फैक्टोरियल। और जैसे ही आर थ्री आ गया, हम क्या लिख सकते हैं? एन पी थ्री इक्वल्स टू 336। 336 को तीन फैक्टर में ब्रेक किए तो आंसर आ गया 8। आंसर आ गया 8। तीन नंबर क्वेश्चन अभी किए थे एग्जाम्पल में, लेकिन खाली आर का आंसर निकाले थे 8। यहां पूछा है आर सी फाइव, मतलब 8C5। 8C5 को लिख सकते हैं 8C3। एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। चार नंबर क्वेश्चन समझाएंगे बाद में, याद दिलाना। आठ दोस्त बोला एग्जाम्पल में, पांच दोस्त का किए थे, तो 2 to the power 8 minus 1। वॉशिंग मशीन, टीवी अप्लाई, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कूलर ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, तो 2 to the power 4 minus 1। एन का आंसर कितना आ जाएगा? 24। दोनों नीचे वाला को जोड़ दो, हमको निकालना क्या है? 25C24। सात जेंट्स, चार लेडीज, एटलीस्ट वन लेडी जब बोलेगी ना, जब बोलेगा मतलब, तो लिखो इसका फॉर्मूला शॉर्टकट, एटलीस्ट वन लेडी का शॉर्टकट। टोटल माइनस नो लेडीज, टोटल माइनस नो लेडीज, टोटल माइनस नो लेडीज। तो टोटल हो गया 11C5, टोटल हो गया 11C5। नो लेडीज का मतलब ऑल जेंट्स, 7C5। टोटल माइनस नो लेडीज इज इक्वल्स टू एटलीस्ट वन लेडी। नाइन नंबर, पीटीओ जीटीए, पुट द ऑप्शन गेट द आंसर। शायद एग्जाम्पल में भी था ना सेम क्वेश्चन, यही तो सेम एग्जाम्पल में था शायद, आर का आंसर 7 याद करने बोले थे। डायगनल्स इन अ डेकागन का शॉर्टकट दिया हुआ है, एन इंटू एन माइनस 3/2, एन इंटू एन माइनस 3/2। तो डेकागन मतलब एन मतलब 10 हो गया, डेकागन में एन का मतलब क्या हो गया? 10। कोलिनियर पॉइंट्स तो ट्राइंगल नहीं बना सकता, तो 12C3 माइनस 5C3। कोलिनियर पॉइंट्स तो ट्राइंगल नहीं बना सकता, तो 12C3 माइनस 5C3, 12C3 माइनस 5C3। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या हो जाएगा? 16C2। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या हो जाएगा? 16C2। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या हो जाएगा? 16C2। दो पॉइंट को ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन आता है। यहां तक डन है? पांच कैंडिडेट है, तीन मेंबर को सेलेक्ट करना है, एक कैंडिडेट जितना इलेक्ट करना है उससे बेसी वोट नहीं कर सकता, मतलब या तो एक वोट कर सकता है या दो या तीन, तो वो पांच में से किसी एक को वोट करेगा या दो को या तीन को। फाइव प्लस 10 प्लस 10, 25।
नंबर ऑफ हैंडशेक्स का मतलब होता है एन सी टू, तो एन सी टू अगर 66 है, एन सी टू अगर 66 है तो 11C2 सॉल्व करो, नहीं आ रहा आंसर, 12C2 सॉल्व करो, आ गया आंसर। पहले इक्वेशन बना के पीटीओ जीटी है, इक्वेशन बना के पीटीओ जीटी है। पैरेललोग्राम कैसे बनता है? ऐसे दो लेना पड़ेगा और ऐसे दो लेना पड़ेगा, ऐसे दो और ऐसे दो, तो 4C2 × 3C2, 4C2 × 3C2, 4C2 × 3C2, 4C2 × 3C2, 4C2 × 3C2। अगर ग्रुप बोलेगा ना, ग्रुप बोलेगा मतलब खाली बंटवारा करना है, ग्रुप बोलेगा मतलब खाली बंटवारा करना है, और स्टूडेंट का मतलब कौन सा स्टूडेंट के पास जा रहा है वो फर्क पड़ता है। चीज को समझो अच्छे से, ग्रुप मतलब क्या? खाली साइड करके रख दिया, पहला वाला को जा रहा है या दूसरा वाला को जा रहा है उससे मतलब नहीं है। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? सेलेक्शन। और डिस्ट्रीब्यूटिंग का मतलब क्या होता है? सेलेक्शन विथ ऑर्डर, ठीक है? तो पहला वाला में कॉम्बिनेशन लगे, दूसरा वाला में कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन लगेगा। तो देखो इसको इक्वली बांटना है, करेक्ट? तो 12 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, बिकॉज 3 ग्रुप है, बिकॉज 3 ग्रुप बोला है, बिकॉज 3 ग्रुप बोला है। इसके ठीक बाद वाला क्वेश्चन है 15 मैंगो है, इक्वली बांटेंगे, बस, क्योंकि ग्रुप नहीं बोला, 3 बच्चा है, तो कौन सा 3 बच्चा को जा रहा है उसे फर्क पड़ता है। ग्रुप बोलेगा तो नंबर ऑफ ग्रुप से डिवाइड करेंगे, इक्वल होगा तो ही डिवाइड करेंगे, इक्वल होगा तो ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना कॉर्ड बनाने के लिए 2 चाहिए, तो 8C2 कॉर्ड बनाने के लिए 2 चाहिए, 8C2 कॉर्ड बनाने के लिए 2 चाहिए। 3 लेडीज और 4 जेंट्स का कमिटी बनाना है, 8 और 7 में से। मिसेज एक्स बोलती है मिस्टर वाई आएगा तो हम काम नहीं करेंगे, ठीक है? इसका मतलब या तो मिसेज एक्स आएगी मिस्टर वाई नहीं आएगा, या मिसेज मिस्टर वाई आएगा मिसेज एक्स नहीं आएगा, तो दोनों ही नहीं आएगा। तो इम्पॉसिबल केस कौन सा हुआ? दोनों आ रहा है, तो लिखो 8C3 × 7C4 − 7C2 × 6C3, 8C3 × 7C4 − 7C2 × 6C3। इसके नीचे लिखेगा टोटल पॉसिबल वे इन विच कमिटी कैन बी फॉर्म्ड, टोटल पॉसिबल वे इन विच कमिटी कैन बी फॉर्म्ड, टोटल पॉसिबल वे इन विच कमिटी कैन बी फॉर्म्ड, टोटल पॉसिबल वे इन विच कमिटी कैन बी फॉर्म्ड। और इसमें लिखेगा एलिमिनेटिंग, एलिमिनेटिंग द इम्पॉसिबल केस, एलिमिनेटिंग द इम्पॉसिबल केस, एलिमिनेटिंग द इम्पॉसिबल केस, एलिमिनेटिंग द इम्पॉसिबल केस वेयर मिस्टर वाई एंड मिसेज एक्स बोथ वुड सर्व टुगेदर, एलिमिनेटिंग द इम्पॉसिबल केस वेयर मिस्टर वाई एंड मिसेज एक्स बोथ वुड सर्व टुगेदर।
अब ये देखो, यहां पर एन का आंसर 499 ही होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या बोला था, एन सी आर, इसको एन मान रहे, इसको आर मान रहे, यहां पर आर है, यहां पर आर माइनस वन है, और ये क्या है, एन प्लस वन, तो इट हैज टू बी एन, दैट इज 499। प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर, तो पूरा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब एन, जहां मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वहां पर एन की जगह क्या होना चाहिए, 499 ही होना चाहिए। सिक्स टू थ्री डिसीजन का मतलब वहां पर 9 लोग बैठे थे जूरी में, टोटल 9 लोग थे, हमसे पूछ रहा है मेजॉरिटी डिसीजन चाहिए उसको। इसका मतलब 9C5 प्लस 9C6 प्लस 9C7 प्लस 9C8, 9C5 प्लस 9C6 प्लस 9C7 प्लस 9C8, वेरी गुड, प्लस 9C9, क्यों 9 में मेजॉरिटी क्या होता है, 5। फाइव बल्ब्स है जिसमें 3 डिफेक्टिव है, इसका मतलब 2 नॉन डिफेक्टिव है, रूम में हमको लाइट चाहिए, और मेरे पास बल्ब पॉइंट कितना है, 2 ही है, तो या तो दोनों में लाइट जलेगा या तो किसी एक में चलेगा, रूम में लाइट चाहिए, ये भी नहीं बोला कंप्लीट लाइट, लाइट बोला है, तो हल्का अंधेरा हल्का रोशनी भी चलेगा, जिंदगी में तो एक चिराग की रोशनी भी काफ़ी होती है। ठीक है, तो 2C2 × 3C0 प्लस 2C1 × 3C1, आइदर बोथ नॉन डिफेक्टिव और 1 डिफेक्टिव एंड 1 नॉन डिफेक्टिव। एक क्वेश्चन खाली बचा हुआ हम लोग का, वो क्वेश्चन बोलिए क्या था, नंबर 4 वाला, एनसीआर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एनसीआर माइनस वन कितना दिया हुआ, 56, एनसीआर 28 और इज 8, क्लियर। सर सॉल्व कैसे करें, क्या निकालने बोला, आर ना, अगर आर और एन दोनों निकालने बोलता तो ऑप्शन पुट करके निकाल लेते, बट यहाँ पे दोनों तो बोला नहीं है। एक प्रॉपर्टी क्या है, एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन इज इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस वन बाई आर, ये प्रॉपर्टी है, एन सी आर बिगर हुआ ये स्मॉलर हुआ, लेकिन दोनों कंसिक्यूटिव है, आर और आर माइनस वन दोनों कंसिक्यूटिव है, तो ये न्यूमरेटर कैसे आ रहा है, ऊपर वाला माइनस एकदम नीचे वाला, न्यूमरेटर कैसे आ रहा है, ऊपर वाला एकदम माइनस नीचे वाला, और डिनोमिनेटर कैसे आ रहा है, बीच वाला। हम भाई ऐसे ही पढ़ाते हैं, हमको ऐसे ही सिखाया गया, क्या करें, कम से कम ऐसे पढ़ाएंगे तो रॉन्ग तो नहीं करके आएगा एग्जाम में, आई फैक्टोरियल ब्रेक करके दिखा देंगे, बस दिमाग के ऊपर उड़ जाएगा, बोलेगा हमारा टीचर कुछ आता ही नहीं है। और फिर एन सी आर प्लस वन बाई एन सी आर क्या हो जाएगा, एन माइनस आर बाई आर प्लस वन, करेक्ट, इस कॉन्सेप्ट से ऊपर वाला माइनस नीचे वाला डिवाइडेड बाई बीच वाला, तो 2 इक्वेशन बन गया आप लोगों का, दिस विल बी इक्वल्स टू 28/56 एंड दिस इज इक्वल्स टू 8/28, करेक्ट, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे
तो आर का आंसर आएगा 6। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आर का आंसर आएगा 6। पहला इक्वेशन बनेगा एन माइनस आर प्लस 1 बाई आर इक्वल्स टू 28 बाई 56, और दूसरा बनेगा एन माइनस आर बाई आर प्लस 1 इक्वल्स टू 8 बाई 28। ठीक है, सो इन दिस पार्ट ऑफ द क्लास वी हैव कवर्ड टिल 5C। इन द कमिंग पार्ट विल कवर 5D एडिशनल क्वेश्चन बैंक। विकास जी।